पहले किसानों का आंदोलन, फिर छात्रों का आंदोलन, फिर महंगाई को लेकर आंदोलन, अब इन सब के बीच बैंक स्ट्राइक चल रहा है। बैंक बचाओ देश बचाओ, क्योंकि जिस तरीके से बैंकों का निजीकरण किया जा रहा है उसे लेकर आज बैंक कर्मियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू हो गई है, जिसकी वजह से 2 दिन तक बैंक बंद रहेंगे। निजीकरण के खिलाफ बैंक यूनियन ने 15 और 16 मार्च को राष्ट्रव्यापी हड़ताल का ऐलान किया है। बजट में इस संबंध में ऐलान किया गया था कि बैंक यूनियनों की बैठक में इसका विरोध करने का प्रस्ताव रखा गया और 2 दिन बैंक हड़ताल की घोषणा की गई। बैठक के बाद अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संगठन की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि बजट में IDBI बैंक और 2 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण सहित सुधार संबंधी विभिन्न घोषणाओं पर चर्चा हुई। बैठक ने कहा कि ये सभी उपाय कर्मचारियों के खिलाफ है और इसलिए इसका विरोध करने की आवश्यकता है। बैठक ने फैसला किया कि सरकार की इन नीतियों को वापस लेने के लिए आंदोलनकारी चलाया जाएगा। जिस तरह से मोदी सरकार में रेलवे का, एयरपोर्ट का, यानी एक के बाद एक हर जरूरतमंद चीजों का निजीकरण किया जा रहा है, उससे आम जनता बेहद ही परेशान है। वहीं लगातार ट्विटर पर हैशटैग बैंक बचाओ देश बचाओ को ट्रेंड करवा निजीकरण को लेकर सरकार के खिलाफ विरोध जताया जा रहा है, जिसको लेकर हंसराज मीणा लिखते हैं कि निजीकरण का विरोध ऐसा हो कि भविष्य में जब आपके बच्चे पूछे कि जब देश बिक रहा था आप कहाँ थे, तो आप फक्र से कह सके मैंने बैंक में, सड़कों पर, सोशल मीडिया पर, हर संभव जगह पर इसके खिलाफ आवाज उठाई थी। चुप मत रहिए, आवाज उठाइए, अब नहीं तो कभी नहीं, इनकलाब जिंदाबाद, हैशटैग बैंक बचाओ देश बचाओ। प्रशांत भूषण जो कि वकील हैं, वो लिखते हैं कि एक बार बैंक लुटेरे थे अंबानी, माल्या, मेहुल भाई, नीरव मोदी, सांडेसरा आए जिन्होंने करोड़ों के लोन लिए और भाग गए। अब हमारे पास एक सरकार है जो खुद बैंकों को निकालना चाहती है। वहीं इस मुद्दे को लेकर वरिष्ठ पत्रकार दिलीप मंडल भी लिखते हैं कि सपोर्ट करें वरना मोदी बहुत जल्द सभी राष्ट्रीय संपत्ति बेच देंगे। वहीं जिस तरीके से ट्विटर पर हैशटैग बैंक बचाओ देश बचाओ, हैशटैग बैंकर्स ऑन स्ट्राइक, हैशटैग स्टॉप प्राइवेटाइजेशन, हैशटैग गोदी मीडिया एंटी फार्मर्स, ये सब चल रहा है। मौजूदा सरकार सब कुछ बेचकर बस अपने कॉरपोरेट मित्रों का भला कर रही है, लेकिन आम जनता, किसानों की, छात्रों के मुद्दों पर इनका कोई लेना देना नहीं है। निजीकरण और बैंक हड़ताल को लेकर इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल इंडिया न्यूज। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी।